इसलिए साधु की आचार्य की जो विराट सागर महाराज की समाधि, उन्होंने 150 समाधि कराई, उन्होंने दुनिया भर का इतना सारे सब शिष्य को दीक्षा दी, 24 घंटे दिमाग में 50 साधु, 60 साधु, 70 साधु, कभी 100 साधु, कभी 350 साधु, सबकी सुनना, सबकी देखना, सबकी व्यवस्था बनाना, सबका ये करना, सबका। तो उससे जो 24 घंटे निरंतर आदमी सम्मेत शिखर जी आता है, 4 दिन पहले से, 1 महीने पहले से, 2 महीने टिकट बुक होती है, फिर होती है, तो 24 घंटे सम्मेत शिखर शिखर जी, शिखर जी, शिखर जी, शिखर जी, शिखर जी, तो शिखर जी की वंदना तो जब आता तब करता है, उसकी 2 महीने से शिखर जी की वंदना चालू हो जाती है। ऐसे आचार्य जो है 24 घंटे उसके दिमाग में पूरा संग रहता है, इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको डॉक्टर को बुलाना है, इसका चश्मा बनवाना है, इसको साड़ी चाहिए, इसको पेंसिल चाहिए, इसको किताब चाहिए, इसको क्या कहना है, इसको क्या कहना है, वो 24 घंटे दिमाग में उसकी स्वाध्याय नहीं है, ये बातें चलती है, और जिसके कारण से उसका पुण्य, इतना पुण्य का भंडार भर जाता है कि उसकी समाधि को, सम्यक समाधि को कोई रोकने वाला नहीं है। एक बात और कहते थे, ये सबसे मुख्य बात है जो अनुभव की बात है, साधु दूध बेचने वाले की तरह होता है, साइकिल वाला होता है, गांव से आता है, दूध की केटली अपनी की साइकिल पे रखता है, आवाज लगाता है, दूध वाला घंटी बजाता है, ऊपर से अम्मा उतर के आती है दूध दूध लेने के लिए, बोले रोज लेट आता है, कल से जल्दी आएगा, दूध में पानी मिलाता है, बोले अम्मा जी पैसा, बोले अगले महीने मिलेगा। जो हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, उसके लिए हम 100 नखरे करते हैं। क्या करते हैं? 100 नखरे करते हैं। और दारू की दुकान कहां होती है? गांव के बाहर होती है। कोई दारू साइकिल पे बेचने आता है क्या? कोई दारू वाला साइकिल पे बेचने नहीं आता, और पहले पैसा लेता है बाद में दारू। और जिसकी हमारी जिंदगी में कोई आवश्यकता नहीं है, साधु गांव गांव जाता है, घर घर में जाता है, हर किसी को समझाता है, बोले बेटा नियम ले ले, नहीं महाराज मेरे बस का नहीं है, बोले बेटा ऐसा त्याग कर ले, नहीं महाराज मैं मेरे से नहीं होगा। यानी कि जो अच्छी अच्छी चीजें जिनकी जिंदगी में आवश्यकता है, उसके लिए हम निरंतर गुरुओं से नखरे करते हैं। क्या करते हैं? नखरे करते हैं। इसलिए बोले साधु किसके समान है? साइकिल पे दूध की कैन लेके दूध बेचने वाले की तरह गांव गांव जाता है, घर घर जाता है, घर घर के दरवाजे पर जाता है, आवाज लगाता है, 100 नखरे सुनता है, पैसा भी बाद में मिलता है, और फिर भी दूध बेचता है। क्या करता है? फिर भी दूध बेचता है। तो ऐसे साधु होते हैं, तुम सुनो चाहे ना सुनो, मानो चाहे ना मानो, लेकिन फिर भी साधु निरंतर जो है अपने कर्तव्य को पूरा, और यही उसकी जो परोपकार भावना है, ये सब लोगों का भला हो, ये तीर्थंकर पद की बंद करने की भावना है। तीर्थंकर पद का बंद कैसे होता है? इसी प्रकार से होता है, और कोई विशेष चीज नहीं है। ये 2 चीजें आचार्य के साथ होती हैं, और जो उनकी बहुत थोड़ी सी उम्र में, 61 साल की उम्र को बहुत ज्यादा नहीं कहलाती, लेकिन फिर भी वे 24 घंटे सावधान थे, और सावधानी में अपनी समाधि संलग्ना की, उनके चरणों में हम निरंतर, बहुत सारी चीजें हैं, कागज तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैंने सब माता जी को पहले ही पढ़वा दिया है, भाई आप पहले ही पढ़ लो, और मैंने सारी बातें इनको बता दी है। तो गुरुदेव के चरणों में और विराट सागर जी के चरणों में, ऐसे हम उनसे 5-6 बार मिल गए, वरुण पंचकल्याण में मिले, कुंतुगुरी पंचकल्याण में हमारा आचार्य पद हुआ, तब भी विराट सागर जी वहीं थे, गुरु की महिमा परंपार, उनके दान का अद्भुत पारावार, वे हैं खारे मीठे रत्नाकर करुणा प्रेम के सागर, कोई बुद्धिमान शिष्य ही उन्हें पहचान पाता है, अन्यथा संदेह करके गुरु को गंवाता है, अन्यथा संदेह करके गुरु को गंवाता है, अपना पिंड छुड़ाता है। सच तो यह है कि संदेह महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षा बढ़ाती है, उसकी पूर्ति में यदि गुरु दीवार बनता है तो गुरु की निंदा कर अपना संबंध मिटा लेता है। इसलिए अपने से हीन आचरण वाले को कभी अपना दोस्त नहीं बनाना, अपने से हीन आचरण वाले को अपना दोस्त नहीं बनाना, गुरु से श्रेष्ठ किसी को मत मानना, गुरु की हर आज्ञा आदेश का पालन करना, कंकड़ पत्थर में से हीरे को पाना, ध्यान रखो गुरु के देने से शिष्य को मिलता नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि गुरु शिष्य को कुछ देता नहीं है, गुरु तो सदैव देता ही रहता है, लेने की हो प्यास व पात्रता तो शिष्य को भी मिलता रहता है, लेकिन मिला हुआ तभी फलता है, मिला हुआ तभी बलता है जब श्रद्धा भक्ति समर्पण बरकरार है। गुरु देगा तभी मिलेगा, ऐसी बात नहीं, तुम लोगे तब मिलेगा, तुम लोगे तब मिलेगा, शाश्वत सिद्धांत यही। प्यासा बीज जमीन में जड़े पहुंचाकर पानी खींच लेता है, प्यासा बीज जमीन में जड़े पहुंचाकर पानी खींच लेता है, और इसी प्रकार शिष्य भक्ति विनय समर्पण से आंखें नीच गुरु से सीख लेता है, आंखें नीच गुरु से सीख लेता है। महाराज ने कहा ना, जीवन का रिमोट गुरु जी के हाथ में दे दो। उनके चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमन करते हुए
यही प्रार्थना करते हैं कि उनका जी उनके लिए जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो। जय बोलिए आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय।